बाबर ये नया टूर्नामेंट है, इतना सारा एशियन कंट्रीज खेल रहा है, थोड़ा सा पहला गेम थोड़ा सा क्या है हांगकांग इजी बिकॉज नेक्स्ट गेम इंडिया, क्या कैसे कॉम्पिटिशन से है क्या हांगकांग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इजी तो कोई टीम नहीं है, अगर एशिया कप चल रहा है तो उसमें सारी टॉप की टीमें हैं, आप उसको इजी नहीं ले सकते हांगकांग को जी बिल्कुल। उसके बाद जो इंडिया का मैच है वो आप कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन जो पांचों टीमें जो काफ़ी अच्छी हैं और किसी को लाइट नहीं दे रहे हैं, पर जो हम बाकी टीमों के मैच में फोकस होते हैं वैसे इस मैच में फोकस है। जिम्बाब्वे से आप खेल रहे थे, टॉप ऑर्डर ही ऑलमोस्ट मैच निपटा दिया करते थे, तो मिडिल ऑर्डर को इतना खेलने का मौका नहीं मिला, तो कुछ चैलेंज रहेगा इस टूर्नामेंट में क्योंकि टीमें ज्यादा सख्त हैं? जी बिल्कुल, जैसे जिम्बाब्वे में टॉप ऑर्डर काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बैक उससे पीछे जाएं तो मिडिल ऑर्डर को भी काफी चांसेस मिले हैं और काफी मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, जैसे आसिफ अली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वो मिडिल ऑर्डर में आता है, शुएब भाई ने काफ़ी अच्छा किया, ये बात नहीं है कि मिडिल ऑर्डर के लिए चैलेंजिंग होगा, बस ये कि सब अपने अपनी फॉर्म में अच्छे हैं और इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। और टूर्नामेंट किस टीम को फेवरेट देखते हैं आप? जाहिर सी बात है टूर्नामेंट में तो अपनी टीम को ही फेवरेट देखते हैं।